पर वैज्ञानिकों की खोज। कोरोना के हैं तीन रूप, तीनों हैं खतरनाक। कोरोना भारत में सिंगल म्यूटेशन पर। कोरोना वायरस इंसान के बालों से 900 गुना छोटा है, पर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों की गिनती 1 लाख को पार कर गई है। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया भर के 200 देशों में 16 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना चीन में तबाही मचाने के बाद अब अमेरिका, ईरान, इटली और स्पेन जैसे देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, पर इस पर अब एक नई खोज हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया। कोरोना के रूप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खोजकर्ताओं ने कोरोना के तीन रूपों का पता लगाया है जो पूरी दुनिया में संक्रमण फैला चुके हैं। इनका नाम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी रखा गया है। खोजकर्ताओं ने संक्रमित इंसानों में वायरस के 160 जीनोम क्रम का अध्ययन किया। ये सीक्वेंस वुहान का नहीं बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले कोरोना वायरस संक्रमण से मिलता जुलता है। ये वायरस के वो स्ट्रेन है जो चमगादड़ से फैलने वाले कोरोना वायरस के समान है। 4 महीनों में लिए सैंपल। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने 4 महीनों में सैंपल इकट्ठे किए। खोज टीम ने 24 दिसंबर 2019 से 4 मार्च 2020 के बीच दुनिया भर से सैंपल इकट्ठे करके आंकड़े तैयार किए। फिर जो सामने निकल कर आया उसने सबको हैरान कर दिया। खोज में 3 किस्म के नए कोरोना वायरस पाए गए जो एक सार होने के बावजूद अलग अलग थे। टाइप ए, ये कोरोना वायरस का असल जीनोम है जो वुहान में मौजूद वायरस में है। ये चमगादड़ और पेंगोलिन से मिले वायरस से मिलता जुलता है और इसे महामारी का मुख्य कारण भी माना जाता है। इसका म्यूटेशन हुआ और उन लोगों तक पहुंचा जो अमेरिकी वुहान में रह रहे थे। फिर जब वो लोग अपने देश वापस गए तो उन्होंने अपने देश यानी के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को संक्रमित किया और वायरस वहां पर फैल गया और अब ये वायरस स्पेन में भी फैल चुका है। टाइप बी, ये वुहान से मिले कोरोना वायरस का एक प्रकार है। ये टाइप ए से विकसित हुआ है पर इसका 2 बार म्यूटेशन हुआ है। ये चीन में धीरे धीरे म्यूटेट हुआ पर बाहर जाकर तेजी से म्यूटेट हो गया। पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन सबसे पहले फैला। हालांकि ये स्ट्रेन एशिया से निकलकर और देशों में ज्यादा नहीं फैल सका। अब ये बी टाइप कोरोना वायरस फिनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान और ब्राजील में है। टाइप सी, सी टाइप कोरोना वायरस बी टाइप से विकसित हुआ है। फिर इसमें एक बार और म्यूटेशन हुआ और ये सिंगापुर के जरिए पूरे यूरोप में फैल गया। इसके शुरुआती मरीज फ्रांस, इटली, स्वीडन और इंग्लैंड में मिले थे। रिसर्च में कहा गया है कि इटली में ये वायरस जर्मनी से आया था और जर्मनी में इसका संक्रमण सिंगापुर के लोगों के जरिए पहुंचा। वायरस में बदलाव। वैज्ञानिकों का कहना है कि खोज के दौरान नए कोरोना वायरस के पूरे समूह की जांच की गई। इसके नतीजे के तौर पर जो पता लगा वो ये है कि इसमें तेजी से बदलाव हुए हैं। बदलाव यानी कि म्यूटेशन, ये उसे कहते हैं जब किसी जगह या उसके वातावरण या किसी और कारणों के कारण विषाणु के सेल डीएनए या आरएनए में तब्दीली हुई हो। खोज के दौरान खोजकर्ताओं ने कोरोना के पूरे परिवार का विश्लेषण किया। भारत में कोरोना का रूप। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस सिंगल म्यूटेशन में है। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस अपना रूप नहीं बदल रहा। अगर इसमें परिवर्तन नहीं आता है तो ये जल्दी खत्म हो सकता है, ऐसी संभावना है। पर अगर विषाणु में म्यूटेशन हुआ तो जोखिम बढ़ सकता है और टीका ढूंढने में मुश्किल आ सकती है, सो जरूरत है ज्यादा ध्यान रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।